जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा बैंकॉक में फिफ्थ डे, और जैसा कि मैंने आपको चैंपियनशिप वेन्यू से जो भी फाइट्स एंड वीडियो दिखाए थे उसका रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा पिछले वीडियो में। फिर भी आपको बताना चाहूँगा, हमारे टोटल 9 मेडल आए हैं, 3 गोल्ड और आपका 6 ब्रोंज मेडल है। तो उसके साथ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, तो बॉल बहुत ही बढ़िया, सबने कल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, तो चलिए उसको सेलिब्रेट करते हैं आज। तो स्टेडियम से निकल के हम होटल आ गए थे, रात को लेट हो गया था इसलिए मैं वीडियो कॉल लंबा नहीं खींचा, जितना हो सका उसको उतना ही डाला। तो अभी आज हम आ चुके हैं होटल को छोड़ के पटाया की तरफ। तो चलिए, आज है हमारा फिफ्थ डे और फिफ्थ डे को आज हम अच्छे तरीके से घूमेंगे, एंजॉय करेंगे पटाया में बच्चों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द डे इन पटाया। डू वॉच वीडियो एंड एंजॉय यूट्यूब। तो अभी हम हैं पटाया में, आप देख सकते हैं पटाया सिटी। तो अभी हम वैन से उतरे हैं जस्ट, सो सब कुछ बैग पैक अपना निकाल के चलते हैं होटल के तरफ, होटल में चेक इन करके फिर बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल में, ये नज़दीक पटाया बीच के पास ही है। तो चलिए होटल पे आपको एक नज़ारा दिखाया जाए, सो अच्छे से देखिए। ये होटल एंट्री करते करते रूम के अंदर, यहाँ पे आपको एक ऐसे ओपन किचन मिलेगा देखने को, यहाँ पे आप अपना खुद का खाना बना सकते हो। फिर ये रहा बाथरूम, थोड़ा सा आगे आने पे यहाँ पे एक लाउंज एरिया मिलेगा, आप यहाँ पे बैठ के खाना पीना कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू दिखेगा यहाँ से। और यहाँ पे ये गेट सिस्टम है, लॉक है, इसको आप चाहे तो ऐसे दे सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं। और ये रहा बेडरूम, डबल बेड किंग साइज, और यहाँ से और एक व्यू। और इस तरफ है आपका बेलकनी, सो ये खुलेगा ऐसे, थोड़ा टाइट है डोर। यहाँ पे ये है बेलकनी एरिया, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। सो कैसा लगा हमारा रूम? हाँ हाँ बताऊँगा, आप सबको भी शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन, डोंट वरी। तो चलिए रूम पे थोड़ा बहुत फ्रेश होके चलते हैं घूमने, तब तक के लिए आप ऐसे ही वीडियो में बने रहें, थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेंगे, रेस्ट करेंगे, फ्रेश होके निकलेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग। फ्रेंड्स, रूम से फ्रेश होके हम निकल चुके हैं बाहर, अभी जा रहे हैं हम सेंट्रल पटाया बीच के तरफ। पीछे 3 स्टूडेंट बैठे हैं और दूसरे कार से बाकी बच्चे आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं सेंट्रल पटाया बीच जो कि मेरे होटल के नज़दीक है, वहाँ पे घूमते हैं। और वहाँ पे जो एडवेंचर राइड वगैरह जो भी होंगे उसके इन्फॉर्मेशन के साथ प्राइस डिटेल्स भी आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून, ऐसे ही बने रहें जैसे पहले से हैं। थैंक यू। तो हमें कार ने ड्रॉप कर दिया है लोकेशन पे, अभी हम जा रहे हैं बीच के तरफ चलते चलते। सारे बच्चे इधर हैं। चीकू, ए चीकू चम चम, अरे चीकू, सो लेट्स गो, चलते हैं हम बीच के तरफ और घूम के आते हैं। हाँ, आज मैंने घूम भी चुरा दी, कदम कदम कर चलते हैं, लेट्स गो। सात समंदर पार न तेरे पीछे पीछे पटाया आ गया, और सॉरी आगे आगे पटाया आ गया। सो हम सेंट्रल पटाया बीच के सामने ही हैं जैसा आप देख सकते हो,
बहुत ही सुंदर नजारा है। चलिए आपको वाइड एंगल में दिखाते हैं। इट्स लुकिंग लाइक दिस 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 यू कैन सी दिस 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 लेट्स गो। हम आए थे बीच घूमने, लेकिन आप देख सकते हैं बाहर बारिश बहुत जोर की स्टार्ट हो गई, इसलिए बारिश की वजह से हमें मजबूरी में आना पड़ा सामने की तरफ। यहाँ पे एक मॉल था तो हम चल रहे हैं अभी मॉल के अंदर। ये रहा मॉल, यहाँ पे बच्चे खड़े हैं सारे, तो चलिए चलते हैं मॉल के अंदर, घूमते हैं मॉल के अंदर। लेट्स गो इनसाइड। इधर टाइम स्पेंड करते हैं जब तक बारिश खत्म नहीं होती। तो अभी घूम रहे हैं शॉपिंग मॉल के अंदर। कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर चीज़ 1000 baht से ऊपर का है। तो अगर ये जो सेंट्रल पटाया बीच के सामने जो मॉल है, इसका नाम है सेंट्रल लाइफस्टाइल। ये मॉल में अगर आप आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम अमाउंट का कुछ ना सोचें, सारा कुछ मैक्सिमम अमाउंट में आपको मिलेगा और वो भी 1000 baht के ऊपर। सो अगर आप यहाँ से कुछ परचेस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट हाथ में 10,000 baht या 20,000 baht लेके आएँ। लेकिन कलेक्शन बेस्ट कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राडा के बहुत अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे। डेरर के मिल जाएंगे और परफ्यूम के तो बेस्ट कलेक्शन है, बहुत ही प्यारे फ्रेगनेंस जितने भी हैं, बहुत ही प्यारे फ्रेगनेंस हैं। लाकोस्ट, जोरडानो और 3D वगैरह का भी प्रिंटिंग का यहाँ पे है, वो सब भी करा सकते हैं आप किसी को गिफ्ट देने के लिए। क्रॉक्स भी हैं। चलिए घूम फिर के फिर चलते हैं बीच की तरफ। ये सारे फूड कलेक्शन है, जनरल फूड स्टोर है, फूड स्ट्रीट। ये फ्रूट्स, ये भी फ्रूट्स हैं और ये एग्जिट की तरफ रास्ता है। सो वी आर गोइंग आउट फ्रॉम हियर, चलते हैं बाहर। सेंट्रल लाइफस्टाइल के सामने ही है ये सेंट्रल पटाया बीच। हम बाहर आ चुके हैं, चलिए चलते हैं वहाँ पे थोड़ा फोटो वगैरह खींचते हैं। बारिश खत्म हो गया, हम आ गए बाहर, चलते हैं उधर। बहुत ज़्यादा भूख लगा था तो अभी हम सोचे कि थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का डिनर कर लेते हैं। तो हम उसके पास ही हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, उसका नाम है छोटी भल्ला। तो अभी हम सारे बैठे हैं ऑटो के, ऑटो यहाँ पे है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सेंट्रल पटाया बीच के पास आके यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको भूख लग रहा है, तो आप आएँ। इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे नज़दीक ही है, नाम है छोटी भल्ला, यहाँ पे आएँ। मस्ट विजिट दिस प्लेस और खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइजेस वगैरह सब मैं मेन्यू दिखा दूंगा अभी, आप देख सकते हैं। और खाना का मैं खाना ऑर्डर आने के बाद टेस्ट भी बता दूंगा, ठीक है। खाना खा के हम बाहर आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट था, ज़बरदस्त टेस्ट था। और खाना खा के अभी निकल रहे हैं हम होटल की तरफ, चलिए चलते हैं होटल, फिर करेंगे थोड़ा बहुत रेस्ट और होटल पहुंच के मैं आपको कल का प्लान बताता हूँ, ठीक है। चलते हैं।